अखिल भारतीय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक परिषद के तत्वाधान में बुधवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में इलेक्ट्रो होम्योपैथी आविष्कारक डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के 123वें पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा और कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इलेक्ट्रो होम्योपैथिकल मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जो प्रयागराज से चलकर कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर मैटी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए अतिथियों ने कहा कि डॉक्टर मैटी पीड़ित मानवता के प्रति संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी महापुरुष थे। वह प्रकृति प्रेमी के साथ साथ महान समाजसेवी भी थे। इनके द्वारा आविष्कृत पूरी तरह वनस्पति पर आधारित हानि रहित दवाओं के सहारे मानव के सभी रोगों का इलाज देने वाली इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति का आविष्कार किया गया। इस विधा में भारतवर्ष में काफ़ी जन मान्यता हासिल कर लिया है। इस अवसर पर वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर आर.एन. मिश्र, समाजसेवी नरेंद्र बहादुर चंद, डॉक्टर एस.सी. त्रिपाठी, डॉक्टर संतोष यादव, डॉक्टर जे.के. भार्गव, डॉक्टर एम.के. मधेशिया, डॉक्टर आर.एल. यादव सहित अन्य जनपदों के डॉक्टर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद शुक्ला ने कहा, शुरू कर रहे का और माल्यार्पण कर रहे हैं डॉक्टर प्रमोद सिंह जी दोनों से। और बारी बारी हमारे और मित्र जी जो पधारे हुए हैं, ये मस्जिद सजगरी है जिसने हमको यहाँ बैठे अहम भाग किया है। समाज में जब आगे करती आती है, भाई प्रकट करती आती है और उनके अंदर ऊर्जावान करती हुई आज हम पहुंचे हैं 3 अप्रैल 2019 के आज की इस घड़ी तक। एक बार चुनाव अखिल भारतीय इलेक्ट्रोपैथी परिषद परिवार की ओर से आप सभी मित्रों का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। अपने मंच पर पधारे प्रयागराज से डॉक्टर प्रमोद शुक्ल जी, प्रोग्राम होते रहते हैं उसी सिलसिले में उसी तरह के कार्यक्रम में आज हम चाहेंगे कि अपना हम समय लगाएं और हम अपने एक्सपीरियंसेस जो प्रैक्टिस के दौरान मिले हैं उनको हम शेयर करें। ये हमारे इलेक्ट्रोपैथिक जनदाता डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की 123वां निर्माण दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। इलेक्ट्रोपैथिकल परिषद गोरखपुर द्वारा आयोजित हो रहा है। इसमें हम लोग पूरे हिंदुस्तान से जो इलेक्ट्रोपैथिक कार्य कर रहे हैं उनमें जो हम लोग ज्ञानार्जन होता है उसका हम लोग शेयरिंग करते हैं आपस में। उस भाव के साथ आज मैटी जी का ये निर्माण दिवस मना रहे हैं और सरकार को ये बतलाना है कि हमारे अचीवमेंट्स आज अन्य सिस्टम से कितने अच्छे हैं, कितना अचीवमेंट हमने किया है। ये IDC कमेटी ने जो किया उसमें भी हम लोग सबमिट करेंगे इस पर्चे को और ये इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता के लिए एक बड़ा मजबूत कदम होगा। तो ये हमेशा अपग्रेडेशन होता है नॉलेज का, तो इस तरह हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं और गढ़ परिषद का बहुत बड़ा योगदान है इस पूर्वांचल के अंदर। और उसी क्रम में और उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों में आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रोपैथी समाज के लिए, क्योंकि मैटी जी का हमारे डिस्कवरर का आज निर्माण दिवस है। इस अवसर पर हम लोग इस कार्यक्रम को देखिए, इलेक्ट्रोपैथी पर संख्या काफ़ी बहुत बड़ी संख्या है पूरे देश में और इसका जो इलाज होता है वो हमारा वनस्पति जगत पर आधारित ये चिकित्सा विज्ञान है जिस पर पूरी दुनिया इस समय केंद्रित हो रही है। तो उस पर ये बहुत बड़ा कदम है और ये प्लांट्स की एनर्जी जो सन से कलेक्ट करता है और बॉडी की एनर्जी, जब कोई एनर्जी की कमी होती तभी डिजीज होती है। तो हम लोग का काज ये है कि हम लोग प्रकृत टेम्परामेंट उस पर आर्गन वाइज हमारा ट्रीटमेंट है, आर्गन वाइज हमारी मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये हाईली साइंटिफिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है जिस पर गवर्नमेंट की निगाह आज की डेट पर हमारे पक्ष में जा रही है। हम इससे पूर्ण संतुष्ट हैं और यूनिटी के साथ इसके लिए हर संघर्ष करने को तैयार। इलेक्ट्रोपैथी के विषय